ने जी जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में बाकी मज़ार की हुरमत या कब्रों की हुरमत का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह हिदायत अता फरमाए, हिदायत अता फरमाए जी सबको। ये जी उनके मज़ार पे जो तामीर हुई हुई है, जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है जी, जी कहते हैं जी मौलाना की कमीज़ उनसे बिलोंग करती है, वो उनकी कैब से जी। तो ये मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और अंदर उनके दोस्त या उनके जो मुरीदीन थे उनका मज़ार है, उनके मज़ारात हैं, कब्रें हैं। ये कब्रें हैं जिनकी भी हैं, अल्लाह उनकी मगफ़रत फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दा फरमाए। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लड़ी में से कहलाए जाते हैं और अफ़गानिस्तान के शहर बल्ख में पैदा हुए और उनको यहाँ सुल्तान कीकोबाद ने जो है वो बुला लिया था और शम्स तब्रेज़ी के जो है वो ये शागिर्द बने। शम्स तब्रेज़ जो थे वो बेसिकली तो इस्माइली फ़िरके से शिया थे, लेकिन अल्लाह ताला ने हिदायत दी और वो शिया को छोड़कर अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल हुए। बहरहाल सो ये तुम चंद छोटी सी हल्की सी इंफॉर्मेशन हैं। मौलाना रूमी की किताब मसनवी मानवी बहुत मशहूर है, उसके कुछ अशार के मैंने भी पढ़ा है, माशाल्लाह बहुत दिल मोह लेने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इन सब जो फौज शुदगान हैं इनकी मगफ़रत फरमाए। बहरहाल एक चीज़ तो ठीक है, जो पाकिस्तान में जैसे होता है मज़ारों पे, यानी बहुत ही गलीज़ किस्म के वो बैठे होते हैं लोग, गंदे लोग, शक्ल से भी कपड़ों से भी सब्ज़ रंग के काले गंदे कपड़े, गलीज़ कपड़े पहन के बैठे होते हैं, कम से कम वो नहीं बैठे। अलबत्त यहाँ दूसरी गलाजत ये थी कि जी पेंट शर्ट पहनी लड़कियाँ जनाब अंदर कब्र की तरफ जा रही हैं और उसमें मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं। अगर पाकिस्तान में मज़ारात पे ये गलाजत है तो यहाँ पे भी कुछ गलाजत थी, वो गलाजत भी बुरी है और ये गलाजत भी बुरी है। बहरहाल अल्लाह उनको हिदायत अता फरमाए जो जो अंदर जा रहे हैं, और ना उनको कपड़ों का लिहाज है ना, और जो इनको इजाज़त दे रहे हैं उनको भी अल्लाह हिदायत अता फरमाए। कब्र तो है एक इबरत का मकाम, सो ये कब्रें तस्वीरें बनवाने के लिए नहीं है, मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी सिर्फ चंद मालूमात देने के लिए, और अल्लाह से इनके लिए मकसद की दुआ है। कब्र के किनारे पर ऐसे बैठे हैं लोग जैसे किसी बाग में आए हुए हैं। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो दाढ़ी मुबारक भीग जाया करती थी कब्र को देखकर, लेकिन यहाँ लोग जनाब उसके किनारों पर बैठे अपने मोबाइलों में मसरूफ़ हैं। क्या ज़िंदगी है, क्या जहालत है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए हम मुसलमानों पर। अब इन बुज़ुर्गों ने जैसी ज़िंदगी गुजारी उसका अशर अशीर भी ये लोग हासिल कर लें तो कामयाबी के इम्कान हैं। अलबत्त कब्रों पर आने से कामयाबी नहीं मिलती, कब्रों पर आने से कोई कामयाबी नहीं मिलती। तो ये लोग कब्रों पर हैं, कब्रों के मुरीदीन हैं, कब्रों पर आने वाले लोग हैं और ये समझते हैं शायद कब्रों पर आके इनकी मगफरत होगी। बहरहाल ये तो दुनिया का दौर दौरा है, कुछ जहालत के पलंदे होते हैं, कुछ को अल्लाह हिदायत अता फरमाता है, तो अल्लाह हिदायत अता फरमाए हमारी तो दुआ है। लेकिन बहरहाल ना मैं मज़ारों वाला हूँ ना मज़ारों से कोई दिलचस्पी है। ये तो एक मैं कोनिया शहर को विज़िट करने आया और यहाँ जलालुद्दीन रूमी की कब्र थी तो मैं इसलिए आ गया, वरना मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं इस मज़ार में। हाँ अलबत्त जो अंदर मदफून हैं अल्लाह उनकी मगफ़रत फरमाए, जो जो भी हैं। टू बी वेरी क्लियर, मेरा मज़ारों से कोई लेना देना नहीं है,
मज़ार जाने, मज़ार वाला जाने, मज़ार को पैदा करने वाला जाने। अलबत्ता जो उनका काम है वो काबिल तहसीन है। दीन में मज़ारात की तरफ सफ़र करने की कोई अहमियत नहीं है। देखिए जी, ये सिग्नल पे ट्रेन भी खड़ी है और गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। ट्रेन भी सिग्नल पे, ये अजीब सिस्टम यहाँ देखा है, कमाल है। ट्रेन भी सिग्नल पे खड़ी थी और गाड़ियाँ भी। ये जी अलाउद्दीन की कुबाद मस्जिद है कोनिया में, बहुत खूबसूरत सादा। रेनोवेशन लग रही है इसकी, रेनोवेशन हुई हुई है, लेकिन जैसे ये पिलर है उसके ऊपर की जो दीवारें हैं वो पुरानी है। ये जी वही अलाउद्दीन की कुबाद मस्जिद जो मैंने आपको अंदर से अभी दिखाई, तो ये उसके बाहर की दीवार है और आई होप के मेन एंट्रेंस भी इधर से ही है इसकी शायद, या इसका पुराना हिस्सा है। ये है जी मस्जिद का हिस्सा। ये लिखा हुआ है सेल्जूक सल्तनत। ये सेल्जूक सुल्तान है, उनकी ये इंफॉर्मेशन है। ये उनकी कब्रें हैं जो सेल्जूक सुल्तान थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये हैं जी सेल्जूक सुल्तानों की कब्रें। इसमें भी शायद ऐसा ही है। बंद है ये सब। बस यहाँ पर एक्चुअली इस मस्जिद के साथ कब्रें हैं सुल्तानों की, सुल्तानों के सुल्तान, फलाने सुल्तान, सब चले गए, हमने भी जाना है, कोई नहीं रहा, ना को सुल्तान ना को इब्न सुल्तान, सब ने लौटना है जी। बस अल्लाह ताला हमें एहसास अता फरमाए कि आखिर यही वक्त सब पर आना है।